नमस्कार, आपका UK24 न्यूज चैनल में स्वागत है। मौसम समाचार। प्रदेश के इन चार जिलों में बारिश का अंदेशा, ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रदेश में मौसम का मिजाज तल्ख है। मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश की संभावनाओं को देखते हुए कई जगह अलर्ट जारी किया है। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश के चार जिलों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी और देहरादून जनपदों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिसको देखते हुए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी देहरादून के कुछ स्थानों में गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। प्रदेश में आज ये हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। देहरादून में पेट्रोल के दाम में 3 पैसे और डीजल के दाम में 2 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद देहरादून में पेट्रोल 97 रुपए 16 पैसे और डीजल 90 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 96 रुपए 72 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 90 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 96 रुपए 96 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 78 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। बीजेपी की बैठक में सीएम होंगे शामिल। सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में होने वाली बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होंगे। आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर हो सकती है चर्चा। मुख्य सचिव करेंगे ऑल वेदर रोड निर्माण कार्य की समीक्षा। मुख्य सचिव SS संधू सचिवालय में ऑल वेदर रोड के निर्माण कार्य की समीक्षा करेंगे। उसके बाद चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर भी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। प्रेमचंद अग्रवाल करेंगे कार्यकर्ताओं से मुलाकात। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल अपनी विधानसभा ऋषिकेश में मौजूद रहेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। हरक रावत अधिकारियों से करेंगे मुलाकात। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत देहरादून में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात और बातचीत करेंगे। सुबोध उनियाल सुनेंगे लोगों की समस्याएं। सुबोध उनियाल भी देहरादून में आम लोगों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। मिशन 22 को लेकर दिल्ली में संगठन की बैठक। BL संतोष ने दिया मंत्र। दिल्ली में मिशन 2022 की रणनीति को लेकर दिल्ली में संगठन की एक बैठक हुई। इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी शामिल हुए। CDS बिपिन रावत से मिले गणेश जोशी। पिथौरागढ़ में खुलेगी BRO की मुख्य शाखा। दिल्ली में CDS जनरल बिपिन रावत से प्रदेश से सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सेना से जुड़े उत्तराखंड के परिपेक्ष में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बिना RT-PCR रिपोर्ट के आए पर्यटकों को पुलिस ने वापस लौटाया। वीकेंड पर पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को लेकर पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान जिन लोगों के पास RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट, स्मार्ट सिटी पोर्टल रजिस्ट्रेशन और होटल बुकिंग संबंधी दस्तावेज मौजूद नहीं थे, पुलिस ने उन्हें वापस लौटा दिया। बीजेपी की कुमाऊं पॉलिटिक्स। कुमाऊं से मिशन 2022 का समीकरण साधेगी बीजेपी, हरदा बने बड़ी वजह। भाजपा ने अभी से गढ़वाल और कुमाऊं के समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं, जिसमें फिलहाल पार्टी कुमाऊं पर ज्यादा फोकस करती दिखाई दे रही है। सियासी जानकारी हरीश रावत को इसकी एक बड़ी वजह मान रहे हैं। सीएम धामी का केजरीवाल पर पलटवार, कहा उत्तराखंड में मिल रही अच्छी बीज। 2022 उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की सियासत गर्माती जा रही है। प्रदेश में सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोपण की राजनीति शुरू हो गई है। हर दल खुद को सर्वश्रेष्ठ और दूसरे दल को भ्रष्ट बताने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में देहरादून पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी केजरीवाल पर पलटवार किया। हर दल खुद को सर्वश्रेष्ठ और दूसरे दल को भ्रष्ट बताने में जुटा है। इसी कड़ी में देहरादून पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी केजरीवाल पर पलटवार किया। देहरादून इंदौर व देहरादून उज्जैन एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन की जल्द मिल सकती है अनुमति। मार्च 2020 से अब तक देहरादून इंदौर और देहरादून उज्जैन एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू नहीं हो पाया है। इन दोनों ट्रेनों के संचालन के लिए मंडल मुख्यालय और उत्तर रेलवे की ओर से रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन अभी तक इन ट्रेनों के संचालन की अनुमति नहीं मिली है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस बार इन ट्रेनों के संचालन की अनुमति मिल जाएगी, इस जिससे यात्री को सहूलियत मिल सके। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, एक बदमाश के पांव में लगी गोली। रुड़की में बाइक सवार बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो, जिसमें पुलिस की ओर से चलाई गई गोली से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा। कांवड़ यात्रा पर बोले सीएम धामी, भगवान नहीं करेंगे पसंद किसी की जान जाए। बीते कुछ दिनों से उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस मामले में एहतियात बरतते हुए बयान दे रहे हैं। प्रदेश में कांवड़ यात्रा के सवाल पर बोलते हुए सीएम धामी ने कहा कि ये यात्रा लोगों की आस्था का विषय,
उन्होंने कहा, लोगों को जिंदगी गंवानी पड़े तो ये भगवान को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। चौखुटिया में रेप के बाद नाबालिग की फोड़ी आंख, थाने में हंगामा। द्वाराहाट की चौखुटिया में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि एक शख्स ने घर में घुसकर नाबालिग के हाथ पर बांधकर दुष्कर्म किया है। आरोपी यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। इस घटना के विरोध में स्थानीय विधायक के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने में नारेबाजी करते हुए खूब हंगामा किया और आरोपी युवक को सख्त सजा देने की मांग की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गुलदार की धमक। मसूरी के रिहायशी इलाके में गुलदार की आहट, दहशत में लोग। स्थानीय लोगों द्वारा मसूरी के कुलड़ी सराय इलाके में गुलदार को देखे जाने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने गुलदार के देखे जाने की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दे दी है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है। पूर्णागिरी मंदिर के दर्शन कर लौटते समय नाले में बहे बाइक सवार युवती की मौत। खटीमा में एक युवती की नाले में बहने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवती अपने दोस्त के साथ माता पूर्णागिरी धाम के दर्शन करके लौट रही थी। हरिद्वार में 2 करोड़ की डकैती का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, 5 अब भी फरार। हरिद्वार एसएसपी ने हरिद्वार मोरा तारा ज्वेलरी शोरूम में 2 करोड़ की डकैती का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 लाख की नकदी, कुछ ज्वेलरी और 2 तमंचे बरामद किए हैं। हालांकि अभी भी 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। 1.5 साल प्लानिंग, फिर ताऊ गैंग ने की घटना। हरिद्वार में सबसे बड़ी डकैती को अंजाम देने के लिए बदमाशों ने 1.5 साल तक प्लानिंग की थी। इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी ताऊ गैंग के सदस्य हैं। डकैती का मुख्य आरोपी सतीश ताऊ गैंग का सक्रिय सदस्य, जबकि कई अन्य आरोपी भी पहले जेल जा चुके हैं। यह गैंग उत्तर भारत के अलावा देश भर में कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। मौसम की मार। 4 की मौत, 4 लोग लापता। राज्य में शनिवार रात से जारी बारिश ने भारी तबाही मचाई। बागेश्वर जिले के सुनगढ़ गांव में भूस्खलन से ढहे मकान में दबकर पति पत्नी और 7 वर्षीय बेटी की मौत हो गई, जबकि पूर्णागिरी दर्शन से लौट रहे युवक युवती की बाइक टनकपुर के पास उफनते नाले में बह गई। इससे युवती की मौत हो गई। अल्मोड़ा के मरचूला में रामगंगा के तेज बहाव में पिता पुत्र बह गए। उधर ऋषिकेश में 2 पर्यटक गंगा में बह गए। उधर लोनेवी के प्रमुख अभियंता हरिओम शर्मा ने बताया कि बारिश और भूस्खलन के कारण राज्य में 85 के करीब सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास चल रहे हैं। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 1 हफ्ते और बढ़ेगा। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 1 हफ्ते और बढ़ेगा। साथ ही सरकार वीकेंड पर पर्यटन स्थलों को खोलने के निर्णय का अधिकार डीएम को देने जा रही है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने रविवार को यह जानकारी दी। वन दरोगा भर्ती के प्रवेश पत्र जारी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन दरोगा भर्ती के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। यह परीक्षा 16 से 25 जुलाई के बीच होगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बड़ू ने बताया कि यह परीक्षा रुद्रप्रयाग, टिहरी और उधम सिंह नगर के अलावा अन्य सभी जिलों में 18 पालियों में की जाएगी। इन जिलों के उम्मीदवारों के लिए निकटतम जिलों में परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। परीक्षा कंप्यूटर व टैबलेट पर की जाएगी। उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली और बागेश्वर में परीक्षा टैबलेट पर आयोजित होगी। जो पहली बार यह परीक्षा दे रहे हैं वह आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। आयोग ने 83,777 उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। आपकी सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यदि उत्तराखंड में आपकी सरकार बनी तो हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। बद्रीनाथ हाईवे शिवानंदी में 9 घंटे बाद खुला। जिले में हुई भारी बारिश के चलते शिवानंदी घोलतीर के पास भारी बारिश से बड़ी मात्रा में मलबा बद्रीनाथ हाईवे पर स्थित एनएच के क्रेशर प्लांट की तरफ आ गया, जिसे एनएच की एक जेसीबी मलबे में दब गई, जबकि 3 अन्य मशीनों को क्षति पहुंची है। हाईवे निर्माण के लिए यहां मौजूद बड़ी मात्रा में गिट्टी भी बर्बाद हुई। मलबा आने से बंद हाईवे करीब 9 घंटे बाद खुल पाया। इस दौरान गाड़ियों की कतारें लगी रही और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नैनीताल वीकेंड पर बारिश के बीच पर्यटकों से पैक। वीकेंड के चलते पर्यटन नगरी रविवार को भी पर्यटकों से पैक रही। पर्यटन स्थल भी सैलानियों से गुलजार रहे। हालांकि रविवार को कई पर्यटक वाहनों ने शहर से गंतव्य की ओर रवानगी भी की। पुलिस की ओर से रूसी और खुरपाताल बाईपास पर वाहनों को रोका गया, जिसके बाद जहां से पर्यटक शटल सेवा के जरिए नैनीताल पहुंचे। प्रशासन और पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था से नगर और समीपवर्ती क्षेत्रों में जाम की स्थिति नहीं बन पाई। काशीपुर में महिला ने दिया 3 बच्चों को जन्म। शहर के एक निजी अस्पताल में एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। डॉक्टर के मुताबिक जच्चा बच्चा सभी स्वस्थ हैं। बच्चों का वजन कम होने
NICU में मेडिकल स्टाफ की देखरेख में रखा गया है। साली को ज्वालापुर से रुड़की भगा लाया जीजा। कहते हैं कि जब इश्क सर पर हावी हो जाए तो इंसान रिश्तों को भी तार तार कर देता है। ऐसा ही एक मामला रुड़की में देखने को मिला है। जीजा साली का रिश्ता आगे बढ़ा तो दोनों में मोहब्बत हो गई। जीजा ज्वालापुर पहुंचा और साली को भगा ले गया। हालांकि यह प्रेम कहानी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई और पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। शर्मनाक, नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ में पिता गिरफ्तार। 16 साल की बेटी के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी पिता को श्यामपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पिता शराब का आदी है और पहले भी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर चुका है। वैक्सीन की डोज सिर्फ 400, उमड़े हजारों लोग। 4 दिन से थमा वैक्सीनेशन अभियान रविवार को एक बार फिर शुरू हुआ। शहरी क्षेत्र में 2000 वैक्सीन के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए। शहर के रिश कुल टीकाकरण केंद्र में 400 वैक्सीन के लिए सुबह ही हजारों लोगों की भीड़ उमड़ा। सुबह से ही वैक्सीनेशन केंद्रों पर वैक्सीन लगाने को लेकर लोगों की भीड़ दिखी। व्यवस्थाएं न होने के कारण अधिकांश केंद्रों पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे। देहात के वैक्सीनेशन केंद्रों में रजिस्ट्रेशन को लेकर बहुत दिक्कत आई, जिस कारण घंटों की इंतजारी के बाद कई लोगों को बगैर वैक्सीन लगाए लौटना पड़ा। हरिद्वार में उमड़ी भीड़, 3 घंटे सील रही हर की पैड़ी। धर्मनगरी रविवार को श्रद्धालुओं से गुलजार रही। भीड़ के चलते कोरोना के नियम भी टूटते दिखाई दिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग से लेकर पंत द्वीप पार्किंग भी फुल रही। भीड़ को देखते हुए हाईवे के कट भी पुलिस ने बंद किए। वहीं 3 घंटे के लिए हर की पैड़ी को सील किया गया। शाम 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक किसी को हर की पैड़ी नहीं जाने दिया गया। 8 बजे के बाद सभी के लिए हर की पैड़ी और मालवीय घाट पर आने की अनुमति दी गई थी। चकराता में क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन। पर्यटन नगरी चकराता को रविवार को एक बड़ी सौगात मिली है। यहां 2 साल में बनकर तैयार हुए देश के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया, जिससे चकराता क्षेत्र में पर्यटन की गतिविधियां बढ़ने के साथ ही यहां जैव विविधता और जैव वनस्पति के क्षेत्र में शोध शुरू होने की आस भी जगी है। साथ ही इन पौधों की जानकारी स्थानीय लोगों को मिलने से उनके आर्थिक संसाधनों में भी बढ़ोतरी होगी। क्रिप्टोगैमिक गार्डन की शुरुआत होने से जैव वनस्पति के क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं को शोध के लिए संसाधन मुहैया होंगे। गुच्चू पानी में नदी और गुफा में एंट्री बंद। पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए गुच्चू पानी की नदी व गुफा में एंट्री बंद कर दी गई है। पर्यटक गुफा तक जा सकते हैं लेकिन पानी में जाने की अनुमति नहीं। रविवार को पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए यह व्यवस्था संभालने के लिए कैंट इंस्पेक्टर ऐश्वर्य सिंह पुलिस फोर्स के साथ सुबह से शाम तक डटे रहे। हालांकि इसके बावजूद गुच्चू पानी चौराहे से लेकर गुच्चू पानी तक लंबा जाम लगा रहा। इसके चलते पर्यटकों को परेशानियां हुई। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।